बैठे बैठे किसी के गलत गुमान कि जी उन्हें कर दिता फलाने यह कर दिता होना फलाने तवीज आए ओ बदगुमानी भी गुनाह है ना जो उन्हें नहीं किया इल्जाम लाई जाते हो। मेरे को अक्सर केस आते रहते और कह कसम चुक चुक के कही भी कुरान की कसम मैं नहीं कराया तेरे कुछ भी वो नहीं कहते तू झूठा कुरान चुकी जाना तू करवाया मैंने फलां बंदे ने दसिया भाई वो बंदे अमल ने दसता तू कुरान से भी इतबार नहीं कर रहा वो दुश्मनी पै गई ना फिर यही लोग आ कि इन्हों इन्हों को इस तरह के लोगों को जाया फितना फसाद फैलता वा घर दुश्मनियाँ पैदा होंगे मुखालफात में तेरे खिलाफ आ तुम उस अच्छे इखलाक न अच्छी डीलिंग ठीक करो अच्छे इखलाक का सबूत दवो वो ठीक हो जाएगा इल्जाम ला ला के खानदान के खानदान उजड़ जाए फितना फसाद पिछे चले तो यह साढ़े ईमान की कमजोरी की निशानी बहुत कमजोरी की निशानी तो इस तरह की गल्लां दा करना में सोचना भी गुनाह तो बदगुमानी से बचो बचने का होगा कि बदगुमानी जी सात आगे गुनाह के शामिल हो जाए कि तुम उस बंदे इल्जाम ला रहे हो झूठा तो दूसरों को मुतनफर कर रहे हो ईमान मजबूत रखो अपना कोई दुख अल्लाह तवक्कल करने वाले बंदे पसंद करता मजबूत औरतों को परदे की पाबंदी करवाओ नमाज की पाबंदी करवाओ बच्चे बच्चियों शुरू तो बच्चियों परदे की आदत पाना शुरू कर नेक माहौल रखो अच्छे तरीके ने इखलाक ना समझाओ बार 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 समझाओ कहना नहीं छड़ीदा भी मेरे बच्चे जी नमाज नहीं पढ़ते बस कहना छड़ दो तुसी अपना फर्ज अदा करते रहो कहिंदे रहो जिद्दां तुसी कहना छड़ता फिर तुसी उस लिस्ट दे विच आ जाओ तबलीग करना नहीं छड़ीदा।